शदीद वाला दर्द हो रहा है सर में, इतना दर्द के ना मैं चाहती हूँ बस दो पेना डोल अभी मुझे मिल जाए तो सही हो जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है मैं यहाँ पे घर लूँ। ये सालन में से है निकला है तो वो मैंने कहा ये क्या है क्या है, ये शादी का खाना लाया है और ये सारी चप्पल इसकी ऑयल हो गई है। और मैं पी रही हूँ चाय भी अच्छी है जैसे मैंने उनको कई वैसी बनाई है। और ये नूरियाबाद है, कराची और हैदराबाद के बीच में स्पॉट आता है जहाँ पे मुसाफिर जो हैं आके कुछ देर स्टे करते हैं और मैं भी स्टे कर रही हूँ। तो वो बिल्ली आपने देखी और ये बिल्ली भी आप देखें। हाँ क्या हुआ है, चाय आ गई है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शादी हो गई सिकंदर की बहन की, अब मैं वापसी आ रही हूँ कराची। और ये जो व्यू है सूरज डूबने का, कितना खूबसूरत व्यू है। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूँ कि डूबते हुए का कोई नहीं होता, सब जो है ना जो सूरज निकलता है उसको सलामी करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि ये डूबता भी इसीलिए कि सुबह को मैं रोशन कर सकूं दुनिया को। तो कभी भी डूबते हुए सूरज को ना ऐसे नहीं कहें कि ये तो अभी जा रहा है, नहीं ये जा रहा है सुबह आने के लिए। तो पता नहीं कौन सा तजस्सुस से मैं डूबते हुए सूरज को बहुत देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है इसे मैं सीखती हूँ डूबते हुए सूरज से कि जाना है तो आना भी है और आना है तो जाना भी है। इससे आप ज़िंदगी की काफ़ी हकीकतें सीख सकोगे डूबते हुए सूरज से। मैं मेरे अल्फाज जो समझते होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझते उनको मैं क्या कहूँ। तो डूबते हुए सूरज को देख के इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। तो आप भी जब सूरज ग्रूब हुआ करें ना तो देख लिया करें, और काफ़ी डिप्रेशन इंसान का ख़त्म हो जाता है डूबते हुए सूरज को और उभरते हुए सूरज को देख के। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये हम चल रहे थे अपनी मंजिल पे रवां दवां, और सिकंदर ने कहा था मैं तुम्हें वीगो पे ले जाऊंगा। तो इसकी वीगो कौन सी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और दुआ भी कर रही थी कि काश इसकी बात सच्ची हो जाए और अल्लाह पाक इस वीगो के बदले हमें वो वीगो दिला दे। तो इसकी वीगो भी आपको दिखाती हूँ, सबर सबर करें। और आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। और दो दिन के डिले के बाद अपलोड कर रही हूँ, इसी के लिए माजरत। तो मैं ये वीगो पे जा भी रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी, बीच में अगर कहीं खड्डा भी आ रहा था तो मैं हिल रही थी। तो बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए यार, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हैदराबाद टू कराची का न्यू रोड है और सफ़र आसान हो गया है। फिर भी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी जाएं तो ख्याल से जाएं, एहतियात से जाएं, देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। और ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चाय मैंने ऑर्डर दिए, सही अच्छा किया ना मुझे तो। ये कैंडी बिस्किट लाए। हाँ फैद, हाँ मजा आ रहा है। एक मिनट दे, वो वाला झूला झूल लिया जा केड़ो
वन 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 इन मां निकरन दे मां भरिन चढ़ियन चढ़ चढ़ नडो ढरो आई तू हाँ क्या हुआ है चाय आ गई है चाय में चीनी मैंने कम डलवाई सही है ना कल मैं आपके घर आई थी ना बहुत मीठी चाय थी शादी चलो सही है गेट ओपन कर रहा हूँ यार ये चाय पी रहे हैं ये नूरियाबाद है व्यूअर्स हैदराबाद और कराची के बीच पे है ये बीच सेंटर में ये मेरी चाय ये उसकी और असद वहाँ खेल रहा है और ये बिल्ली देखें तो वो बिल्ली आपने देखी और ये बिल्ली भी आप देखें और मैं पी रही हूँ चाय भी अच्छी है जैसे मैंने उनको कई वैसी बनाई है और ये नूरियाबाद है कराची और हैदराबाद के बीच में स्पॉट आता है जहाँ पे मुसाफिर जो हैं आके कुछ देर स्टे करते हैं और मैं भी स्टे कर रही हूँ शदीद वाला दर्द हो रहा है सर में इतना दर्द कि ना मैं चाहती हूँ बस दो पेनाडोल अभी मुझे मिल जाएं तो सही हो जाऊँगी शादी भी अटेंड की मैंने कल देर हो गई थी पहुँचते फिर मैं अपने भाई के घर चली गई वहाँ भी बैठी पूरी रात हमने मस्तियाँ की भतीजों ने मैंने मैं सोई नहीं फिर सुबह सवेरे उठी फिर तैयारी व्यारी करके फिर अभी आ रही हूँ हम पी रहे हैं चाय हैदराबाद की चाय बहुत अच्छी है खालिस दूध की तो इस वजह से कल आपके साथ ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई मुर्गों की भी याद आ रही है वहाँ मुर्गे अब असद आ जाए तो फिर चलते हैं बिस्किट ये कैंडी बिस्किट लाया है ये देखते हैं यकीन कीजिए मुझे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हाँ लट्टू बॉय मज़ा आ रहा है हैदराबाद में मज़ा आए जाओगे वापस ये देखें इसका दिल ही नहीं भरा हैदराबाद कब जाएंगे हाँ अभी जाएं वापस पे जा सकते हैं टाइम है हाँ पक्का नहीं पक्का या ऐसा करो तू हैदराबाद रहो बाबा मैं भी कुछ ऑर्डर करना चलो यार अभी जल्दी करो कितना टाइम लगाओगी फाइनली हम बरिया टाउन पहुंच गए और हम गाड़ी से दो मिनट नीचे उतरे और मैं देख रही थी ये जो न्यू बनाए अंडर बाईपास बरिया टाउन जाने के लिए तो वो भी आपको दिखाती हूँ असल ने कहा मुझे बरिया टाउन जाना है तो मैंने कहा कि ना अभी रात हो गई उसने कहा नहीं मुझे थोड़ा घुमाओ तो सोचा कि आपके साथ शेयर भी करें
तो जी ये है सिकंदर की वीगो जिसपे हम शादी पे गए थे और वापसी भी आ गए। कैसी लगी आपको वीगो? और ये कह रहा था जल्दी जल्दी बैठो, देर हो रही है क्योंकि इसकी वीगो की बत्तियां हैं वो डिम है। तो वह कह रहा था बहुत रात हो गई है तो अंधेरे में कैसे जाओगे। तो अभी हम इंटर हो रहे थे बहरिया टाउन की तरफ, और ऐसे इंटर होते हैं। बहरिया टाउन जो है वो कराची में है, और ये जैसे दुबई तर्ज क्या लाइफ स्टाइल है। अगर आपको सिंध में दुबई देखना है तो आप बहरिया टाउन का चक्कर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, बहुत सी मेहनत है। और जैसे आप इंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप दुबई आ गए हो। तो ये है सिंध का दुबई। तो हम जा रहे हैं, ये देखिए अंडर बाईपास से निकलते निकलते जा रहे थे, माशाल्लाह से इतनी लाइटिंग थी खूबसूरती, तो भाई क्या कहें। के साइड्स के वॉल पे आपको इनके लोगो बहरिया टाउन वालों के नज़र आ रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से नफासत से काम किया हुआ है। और मैं तकरीबन 3-4 साल के बाद यहाँ आई हूँ। पहले मैंने हाँ मेरे जब चैनल के जो पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1-2 वीडियो मैंने यहाँ आके बनाए थे, तो तभी ये इतना नहीं बना था प्रॉपर। तो अभी ये बिल्कुल भी रेडी टू वॉच है। और माशाल्लाह ये देखें अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, माशाल्लाह लिखा था। ये इसका गेट है, माशाल्लाह से बहुत मेहनत की हुई है जिन्होंने भी ये बनाया हुआ है। और अल्लाह पाक हमारी सिंध और पाकिस्तान बलूचिस्तान सरहद जो भी हमारे चारों सूबों हैं उनको सलामत रखें। माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती देखें आप जब भी कराची हैं, जब भी कराची आए ये सिंध का दुबई ज़रूर देखिएगा, कराची का दुबई माशाल्लाह से। तो लोग भी जो फॉरेनर हैं ना आते हैं देखते हैं कि वाह भाई नहीं कितनी मेहनत से यहाँ पे ये बनाया हुआ है दुबई तर्ज का लाइफ स्टाइल। रोड अंदर जो बिल्डिंगें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जो पार्क बने, स्टेडियम बना है, और अभी एयरपोर्ट भी यहाँ बनेगा। तो माशाल्लाह से एक कमर्शियल एरिया है, और आगे चल के ये दुनिया में एक नाम बनाएगा कि कराची का ये खूबसूरत स्पॉट। ये देखें लाहौल वाला को तला बिलाल अली लजीम अल्लाह पाक के खूबसूरत नामों का, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं कह रही थी मैं इसको देखती रहूं, ये चीज़ें मुझे ना बड़ा भाती हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ ये पानी का जो है सिस्टम बना हुआ था, ये आबशार है छोटे छोटे। अच्छा मैं मछी तू वही खबर बुझ बारे में यार कहाँ है इसमें डॉल्फिन, इसमें कहाँ आई डॉल्फिन, कहाँ है ये कह रहा है डॉल्फिन नहीं ये डॉल्फिन ये आत्मा है, इसके अंदर आत्मा है पानी। दोनों बाप बेटे ने मुझे डर दिया कि यहाँ आत्मा है भटकती हुई तुम्हारे आसपास घूम रही है, तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो जैसे पानी में थोड़ा ना मुझे साया नज़र आया, इन लोगों ने कहा कि यहाँ मछली है डॉल्फिन, तो मैं थोड़ा डर गई। और फिर उन्होंने कहा नहीं आत्मा है, तो मैं अब कह रही थी मैं यहाँ से खिसक जाऊँ। और मैं इधर ये देखें मैं सिकंदर को कह रही थी ये भी रिकॉर्ड करो ये हिस्सा भी। ये माशाल्लाह से हम रात में आए थे तो ऐसा लग रहा था कि दिन में इतनी लाइटिंग थी, तो फिर सोचा कि कभी दिन को भी आएंगे, क्योंकि हम सिंधी जो हैं कहते हैं कि दिन को आएं घूमें फिरें एंजॉय करें। और ये देखें माशाल्लाह से लाहौल वाला कुतला बिलाल अली लजीम ये कितना खूबसूरत लग रहा था, मुझे यकीन कीजिए मैं इसको कह रही थी ये ज़रूर चीज़ रिकॉर्ड करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और असद भी आ गया, असद ने कहा मैं यहाँ फ़ोटो अपना खिंचवाऊँगा और लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाऊंगा अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। तो ये मैं थोड़ा घूम भी रही थी, माशाल्लाह से सफाई भी इतनी अच्छी थी, तो मैं सिकंदर को कह रही थी अभी रात हो गई है तो ये इतना खूबसूरत है दिन को ले आना कभी। तो वो कह रहा था हाँ जब
आएंगे तो दिल को ले आऊँगा। और ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सिकंदर ने कहा थे ना, हम सिंधी में कहते हैं खजीजा जना, तो ये कह रहे थे इसमें भूत हैं, रात को पेड़ों के पास ना नहीं आया करो। और ये देखें माशाल्लाह, लाहौल वाला कुत ला बिलाल अज़ीम यहाँ पे भी लिखा है। तो फिर यहाँ आ गए, सिकंदर ने कहा तुम पेड़ों से साइड पे रहो, रात को पेड़ों में भूत होते हैं, ये मुझे डरा रहा था। फिर ये मैं कह रही थी यार ये ना इससे ना, ये देखें ये कब से कह रहा था कि मेरा पाँव गीला हो गया है। तो ये सालन में से है निकला है, तो वो मैंने कहा ये क्या है क्या है, ये शादी का खाना लाया है और ये सारी चप्पल इसकी ऑयल हो गई है। और ये देखो वाह, गुड बाय भरिया टाउन, फिर हम आएंगे घुमाने के लिए। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। और ये देखें मैं भरिया टाउन घूम रही हूँ, मेरे पीछे भरिया टाउन है, ये असद है। हम गए थे शादी पे हैदराबाद, तो वापसी पे सोचा के आपके साथ ये ब्लॉग भी शेयर करूँ। कितना खूबसूरत अभी लग रहा है, आपको मेरे साथ चक्कर खाने हैं, ये गोल 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 गोल, और बहुत मज़ा आ रहा है। वो देखें व्यू, ये असद और मेरा सिकंदर जो कह रहा था कि मैं आपको वीगो में हैदराबाद, ये है इसकी वीगो जो इसने मेरे लिए बुक कराई। ये फूल आया है मेरे लिए। अभी चलते हैं घर, घर चलते हैं घर, मेरी ख्वाहिश है मैं यहाँ पे घर लूँ। तो ये है भाई कराची जाने के लिए रास्ता, और ये हैदराबाद जाने के लिए। मैं निकली है अभी शाम जो 3:30 बजे इधर है, अब कला करते नूरियाबाद में भी शादी झूला होगा ना, पहले झूला बुला कर बेरिया टाउन में मैं थोड़ा वीडियो वीडियो को उठाया हाँ बेरिया टाउन में वही निकल ना बस हाँ। ठीक है कहते पोजिशन है ताजी, हाँ हाँ सही आला चल रहे, ठीक है ओके। अभी हम घर जा रहे थे, तो ये देखिए अंडर बाईपास जाने के लिए आप यहाँ से हैदराबाद भी जा सकते हैं, कराची भी जा सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। तो अभी हम फिलहाल कराची जा रहे हैं, हैदराबाद गए थे। तो ये देखिए अभी हम जब भी हैदराबाद जाएंगे ना, सिकंदर को कहेंगी कि अंडर बाईपास की तरफ से मुझे ले जाना। तो कितना खूबसूरत बना हुआ है, और रोड ऐसे था जैसे अमेरिका का रोड है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, लाइटिंग इनकी इतनी प्यारी लग रही थी, और गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी स्मूथ मक्खन की तरह। ओ अभी मैं सोच रही थी कि ये जो जिसने बनाया है उसका नाम क्या है, तो सिकंदर ने कहा उसका नाम है रियाज मलिक। तो मैं सोच रही थी कि मैं उससे मिलूं, और अगर यहीं कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसको कहूँ कि भाई हम छोटे लोगों को, स्पेशल लोगों को ना यहाँ पर घर दे दो, हमारे लिए कोई स्कीम बनाओ कि हम भी अपना घर यहाँ पे बना सकें, फ्लैट बुक करवा सकें। वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको बताऊँ, खूबसूरत भी है और महंगा भी है जी। ये था सिंध का दुबई, तो आपने देख लिया हमारी सिंध का दुबई। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और कैसा लगा वीडियो।